इटावा के जिला भड़थना कोतवाली क्षेत्र की खबर है, जहां शनिवार की शाम एक किसान की वन विभाग की नर्सरी पर संदिग्ध अवस्था में करंट लगने से मौत हो गई। वन विभाग के कर्मचारी किसान को पहले भड़थना अस्पताल और फिर इटावा उसके बाद सैफे ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। वन विभाग के नर्सरी पर वन विभाग कर्मियों का कामकाज में सहयोग करने वाले इस युवक की मौत से परिजनों में आक्रोश। परिजनों का कहना था कि घटना छुपाई गई, उन्हें घटना की समय से जानकारी नहीं दी गई। परिजनों ने ग्रामीण की मदद से रविवार सुबह मुआवजे की मांग को लेकर हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। अधिकारियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाकर स्थिति को संभाला। मौके पर पहुंचे पूर्व सांसद प्रदीप यादव ने वर्तमान ब्लॉक प्रमुख ने समझा बुझाकर ग्रामीणों को शांत कराया। बता दें कि बीते शनिवार को भड़थना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिंहपुरा में करीब 35 वर्षीय कृषक सत्येंद्र कुमार उर्फ बंदी पुत्र रामनाथ यादव की करंट की चपेट में आने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक किसान वन विभाग की नर्सरी में चौकीदारी का काम किया करता था। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग इटावा कन्नौज हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। वैसे ही तहसीलदार हरिश्चंद, पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय सिंह, थाना प्रभारी निरीक्षक वचन सिंह सिरोही भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पूर्व सांसद प्रदीप यादव ने वर्तमान ब्लॉक प्रमुख हरिओम यादव ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कृषक बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा जल्द दिलाने का आश्वासन दिया। संजय, क्या मामला है आज गांव में? मेरे गांव का ये सत्येंद्र लका, इसकी उम्र 32 वर्ष थी। ये हमेशा इनका वन विभाग वालों का सहयोग करता रहता था और कल ये लोग उसको घर से बुला के लाए और घर से बुला के लाए कि ट्रैक्टर में पौध जो है डलवाए दे, पौध हमें लगवानी है। और वो लका वहाँ से आया और अपने ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर यहाँ मौजूद खड़ा है जी, ट्रैक्टर में पौध लगी खड़ी है। और उसके बाद उन लोगों ने, चूँकि वो चोरी से बिजली चलाते थे वन विभाग वाले जी जी, और उन्होंने यहाँ कुछ पे काम करा रहे थे। अब उसके कैसे करंट लगा ये हम लोगों को नहीं पता है, चूँ हम उस समय मौजूद नहीं थे। लेकिन इतना सही है कि उन्होंने घटना को छिपाने की कोशिश की। उन्होंने उसको तुरंत उठाया और थ्री व्हीलर से लेके, जो थ्री व्हीलर उनकी लेबर को लाने का काम करते थे, तो उस थ्री व्हीलर से डाल के वो लेके चले गए और अपनी लेबर से ये कह दिया कि ये खम्मा तोड़ दो और बिजली की लाइन यहाँ से काट दो। और उनकी पत्नी वहाँ से, ये सब लोग भागे। जैसे ही इन्हें घटना की सूचना मिली ये लोग भागे जी, पीछे पीछे भागे। लेकिन वो लेके तब तक भाग गए, फिर ये भागे गांव से, मोटरसाइकिलें मंगाई, जब तक उन्हें ढूंढा बर्थना अस्पताल में गए, इटावा अस्पताल में, मोती झील में गए। आखिरी में टेलीफोन उन्होंने वहां से किया कि आपकी लका खत्म हो गया करंट लगने से, खुद उन्होंने कहा, और सैपाई से हम बोल रहे हैं। तब ये लोग सैपाई पहुंचे और जब उसके बाद ये लेके आए तो स्वाभाविक है घर वालों को बताना चाहिए अगर कोई घटना घट गई। जब गांव वालों को नहीं बताया तो गांव में आक्रोश हो गया, पब्लिक इनके साथ खड़ी हो गई। वो तो चूंकि यहाँ ये जाम लगाने जा रहे थे जी, लेकिन सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, तहसीलदार साहब यहाँ मौजूद है, वो भी आ गए। उन्होंने कहा हम 5 लाख रुपया कृषक बीमा भी देंगे जी। और उसके बाद तहसीलदार, वो SDM, उन्होंने, सीओ साहब ने और इंस्पेक्टर साहब ने, दोनों लोगों ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी सही कार्रवाई करके हम देंगे, हम पर विश्वास करो। तब इन लोगों ने जाम नहीं लगाया, FIR अब लिख रही है, जैसे लिख के आ जाएगी उसके बाद ये क्रियाक्रम होगा। सर, मृतक वन विभाग में ही काम करते थे क्या? मृतक वन विभाग में काम नहीं करता था, लेकिन डेली बेसिस पे वो लगाए थे। 5,000 रुपये उसे महीना देते थे वो जी। और वो भी 5,000 रुपया महीना वो चेक से देते थे। 2 साल से उसे वेतन भी नहीं मिला। इस वेतन की बात पे कई बार उसका उनसे विवाद हुआ कि हमारा वेतन क्यों नहीं दे रहे, हम काम बराबर तुम्हारा कर रहे हैं जी। तो उस पर विवाद जरूर हुआ और कई दिन से ये विवाद चल रहा था कि हमारा वेतन हमें दिया जाए। तो इसलिए शंका ये है कि वो जो वेतन का विवाद चल रहा था 2 साल से नहीं दिया, तो गांव वालों को और घर वालों को ये शंका है कि ऐसा तो नहीं उसी विवाद की वजह उन्हीं ने करंट लगा दिया हो, चूंकि उसमें दोनों फेस फेस वो लेके आए थे यहाँ से। तो सर, वैधानिक कार्रवाई और प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है पूरी? अभी तक तो इन्होंने यही आश्वासन दिया, सीओ साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने, तहसीलदार साहब ने यह आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।